फाइनली मैंने ड्यूक और बुलेट दोनों बेच दिए और मैंने अपनी नई कार ले ली है। अबे भाई यार मैं तो रात में जैसे लोग यहीं रुका हुआ था और अभी मैं जाऊंगा एक भाई से मिलने के लिए और एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहा हूँ, संडे मार्केट। ठीक है, संडे मार्केट आप लोगों को पता ही होगा यार, मतलब कहीं कहीं पे लगता है और देहरादून का संडे मार्केट काफ़ी अच्छा, पहले तो अच्छा था, अब मुझे पता नहीं कैसा होगा। बेचारे बहुत दिक्कत है। अरे भाई साहब कहाँ आ रहा। और देखो यार, अगर संडे मार्केट जाना होता है ना तो हम लोगों को सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, पर मेरी अर्ली मॉर्निंग 11 बजे हुई है तो हम 12 बजे जा रहे हैं, लेट हो गई है काफ़ी। अभी तक तो अच्छे अच्छे आइटम सारे सब खरीद दिए होंगे लोगों ने, जो मेरे बचेगा वो बस छोटा मोटा चटी बनियानी होगी और कुछ नहीं। तो देखता हूँ यार कुछ तो मिले अच्छा। संडे मार्केट जाने से पहले अभी मैंने किसी को पिकअप करना होगा। किधर यहाँ लगता है संडे मार्केट। वैसे जाइए कोई नहीं, जाओ। कब तक लड़कियों को बोलते रहेंगे जाओ, कभी लड़कों को भी बोलो। यार एक दिक्कत हो गई, संडे मार्केट गए, मार्केट ही नहीं दिखा, कहीं लगा ही नहीं था। और लास्ट टाइम जब मैं ऐसी हवा में घूमने के लिए जा रखा था तो उस टाइम पे मुझे दिख गया था संडे मार्केट। इस बार बताओ यार, एक चीज़ छूट गई बस मेरी। मैं सोच रहा था संडे मार्केट से ही शॉपिंग करता, कितना मतलब 1000-1200 रुपये, मतलब 1500 रुपये तक में इतने सारी चीज़ें आ जाती है। अरे हॉट डॉग देखो, तो अब क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पे भी। अब यहाँ से ऐसे खाली हाथ जाना पड़ेगा, शाम को जाऊँगा मैं यशो के यहाँ वापस। अभी ज़रा मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता हूँ और फिर आई थिंक कहाँ जाए यार, कोई अच्छी जगह देखते हैं, क्या पता वहाँ चले, जिधर गंगा आरती देखने के लिए ऋषिकेश में, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी देखी नहीं है गंगा आरती, तो सोच रहा हूँ कि चला जाए वहीं। और देखो मैं ऋषिकेश भी पहुँच गया यार। ये देखो, ये है गंगा आरती ऋषिकेश की, और यहाँ पे मैंने बाइक पार्क करवा दी है 20 रुपये दे के, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इनका। और चलो उधर ही चलता हूँ गंगा आरती की तरफ। हेलो बॉयज़, वेलकम बैक। तो अभी एक और दिन, नई शुरुआत है, नीच बॉय हनी बॉय। यार देखो, मैंने टंकी लेमिनेशन करानी थी पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार बिल्कुल भी, कब जाना कहाँ जाना। कल शाम को थोड़ा सा मैं गंगा आरती पे गया था, फिर अंधेरा हो गया था, वापस आ गया। और भीड़ भाई इतनी सारी थी वहाँ पे। यार देखो टंकी रैप इधर ही कहीं ढूंढता हूँ मैं, वैसे शॉप तो ढूंढनी पड़ेगी। और एक काम और पड़ गया मुझे अभी, पल्टन की साइड डिस्पेंसरी रोड, मैंने सुना है वहाँ पे डॉग्स के रहे चीज़ें वगैरह मिलती है। तो मम्मी बोल रही थी लूफी के लिए कपड़े लेके आना और बिस्किट वगैरह ये सब लेके आना, छोटी मोटी चीज़ें, तो लेके तो आना ही पड़ेगा। ये रही देखो डिस्पेंसरी रोड, मतलब मेडिकल शॉप्स है। और मुझे लगता है मैंने पहले भी यहाँ पर वैसे ले रखा है कुछ। अरे डॉग शॉप किधर गई, कोई डॉग की शॉप दिखी नहीं। अरे यहाँ पे थी पहले डॉग की शॉप, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये डॉग की शॉप ही नहीं है, मैंने ले रखा है यहाँ पर से। थैंक यू अंकल, मैं वही बोलूँ पूरा खा पी के आ गया, आखिरी में दिख रही मुझे ये दुकान, पर इस पे तो कपड़े है ही नहीं। मुझे लूफी के लिए लेनी थी टी शर्ट। अभी अरुण भाई के यहाँ जाना है, अरुण भाई वेट कर रहे हैं मेरा। अरुण भाई बोल रहे हैं कि प्रिंस चौक पे आओ फिर चलते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से बस एक मोड़ पीछे ही है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। फिर अरुण भाई के साथ मुझे जाना पड़ेगा प्रेमनगर पूरा, और वहाँ कराऊंगा मैं उनसे टंकी रैप। अरे कहाँ गए अरुण भाई? हाँ हेलो अनी भाई, कहाँ पर है? मैं तो प्रिंस चौक के सामने पे हूँ, जो पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सामने? अभी क्या तीन बाइक है आपकी थी वो? नहीं नहीं, मैं इसमें हूँ, बुलेट में, बुलेट में। अच्छा चलो वहीं पर आ गया मैं तो, ये तिलक वो त्यागी रोड के स्टार्टिंग में ही हूँ, यहीं पर बगल में। अच्छा अच्छा, आजा आजा आया। अरे ये तो यहीं बगल में है, रुके हुए यहाँ पे है ये, इधर कहीं ये रहे। हेलो कैसे हो? बुलेट ठीक है। हाँ हाँ जरूर। अबे भाई यार, अबे बेचारे यार, अरे क्या चला रहे है? एक दो और बिठा दो। एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। पम 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 पम, और ये पहुँच गए हम यहाँ पे। अच्छा क्या ऊपर ही? हेलो भैया कैसे हो? क्या सेट लग रही है भाई साहब, धूल तो गई है देखो। तो यार गाइस देखो, बचपन में आया करता था मैं यहाँ पे, और ये रहा वो ग्राउंड, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ मैं छोटे में आता था। मुझको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मगर अभी तो बाइक रैप नहीं। और ये देखो टैंक भी रैप हो गया है, साइड से भी रैप हो गया, और ये वाला साइड भी, कितना अच्छा लग रहा है देखो। फाइनली मेरा लोगो भी हो गया, और फाइनली अरुण भाई ने फोन निकाल भी दिया मेरा, और ये देखो फाइनली ये सारा का सारा टंकी रैप हो गई। हाँ कौन सा? सैटर्न ब्लैक। मैं रैप कराने के लिए आया था, फाइनली मैंने ड्यूक और बुलेट दोनों बेच दिए, और मैंने अपनी नई कार ले ली है। वो मैं तो भूल ही गया, ड्राइवर साइड उधर चलो ठीक है, ओके बाय तो बोल दो। चलो ठीक है नहीं भाई, मिलते हैं आपको नई गाड़ी के, बधाई आपको। चला नहीं भाई, मिलते हैं मेरा। चलो ठीक है अरुण भाई, ठीक है ओके बिल्कुल ठीक है। कल कल, हाँ कल ऊपर रोड चलते हैं ना, मसूरी रोड मिलेंगे फिर। तो ये देखो भैया ने यहाँ पे पूरे लाइट वगैरह लगा दी, लास्ट टाइम जब मैं आया था अपनी बाइक रैप कराने तब तो नहीं था, पर अब अच्छे से, अब मेरी देखो एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे मेरी बाइक का यार, बिल्कुल यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और चलो जी अब चलते हैं, बाइक बहुत अच्छे से रैप हो रही है आपने देखी। चलो ठीक है अरुण भाई कल। अभी देखो यार मेरा प्लान था कि अभी किसी एक शॉप में जाना था, और वहाँ से मैंने कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, और आप लोगों को भी बताना था कि वो थ्रिफ्ट स्टोर देहरादून का वन ऑफ द बेस्ट थ्रिफ्ट स्टोर में से एक है। वैसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी देखो मैं खैर अभी मैं प्रेमनगर में हूँ, और यहाँ से निकलना है मुझे, जल्दी से घर जाना है क्योंकि 11 बजे तक की टाइमिंग है,
उसके बाद बंद हो जाता है गेट, फिर बाइक रखो बाहर पे घर के, गेट टाप के जाना पड़ता है। तो उससे अच्छा तो जल्दी से टाइमली चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। और फिर खाना वाना भी खाना है। अभी जो मेरी लोगों की प्लेसमेंट थी पहले वो यहाँ पर थी, तो मुझे अपनी ठुड्डी नीचे करनी पड़ती थी पूरी। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे नॉर्मल ऐसे ऊपर रखना है और यहीं पर रहेगा। देखो लोगों सामने, और भाई देखो अरुण भाई के यहाँ तो बेस्ट रैप होता है और एट द बेस्ट प्राइस। अभी यहाँ पे देखो कबाब खाए मैंने, हाय क्या टेस्ट हो रहा था, बढ़िया एकदम गजब। पंडितवाड़ी बीच में ही पड़ता है, तो यहीं पर थोड़ा रेस्ट करा। और घंटा घर भी देखो, काफ़ी टाइम बाद घंटा घर आया जा रहा मेरा भी। तो यार ये देखो रात का खाना भी यहाँ से पैक करा दिया मैंने। अब मुझे हो गई है लेट भैया, 10 बजने के लिए 15 मिनट है और गेट हो जाएगा बंद सॉरी और 11 बजने को है सिर्फ 15 मिनट और गेट होने वाला है बंद। गाली ना खाऊं इस चक्कर में, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा यार, लेट हो गई। भगाओ भगाओ भगाओ। और यार मैंने आपको एक शॉप दिखानी थी, थ्रिफ्ट स्टोर, वो भी आज नहीं दिखा पाया, पर वो थ्रिफ्ट स्टोर मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगा याद से एकदम। तो बने रहना, अगर आपको थ्रिफ्ट स्टोर पता करना है देहरादून में सबसे अच्छे कपड़े कहाँ पे मिलते हैं और सबसे सस्ते भी, ठीक है, अच्छे के साथ, पर थोड़े बहुत जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो वेट करना बस, थोड़ा सा और वेट करना मेरे दोस्तों। और मिलेगा आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस।